जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर रेमेडी। आज की रेमेडी बहुत ही आसान है और ये 1 वीक चैलेंज है आप सबके लिए। 1 हफ्ते में आपकी स्किन जो है लाइट हो जाएगी और डार्क स्पॉट्स जो है आपके वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। आज की रेमेडी में हम यूज़ करने वाले हैं टमाटर। टमाटर जो है वो एक्नी के लिए, आपकी स्किन पे जो एक्नी है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और टमाटर में विटामिन ए होता है, सी होता है और के होता है, जो कि आपकी स्किन के लिए वैसे ही बहुत ही मुफीद है। और टमाटर जो है उसमें एसिडिक, टमाटर जो है एसिडिक होता है ना, इसकी वजह से आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहता है। आप इसका इस्तेमाल करें, आप इसका जूस जो है वो स्किन पर अप्लाई करें, उससे आपके ब्लैक हेड जो है और जो आपकी सन टैन जो है वो आपका स्किन का वो ख़त्म हो जाता है। चलिए अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक टमाटर ले लेना है। तो टमाटर ये देखिए जैसे मेरे पास ये पड़ा हुआ है, आपने टमाटर का एक पीस हमने इसका काट लेना है ऐसे। ये देखिए हमने इस टमाटर के पीस के ऊपर जो है वो शुगर थोड़ी सी लगानी है ऐसे करके। इसके ऊपर हमने ऐसे जो है वो शुगर लगा लेनी है टमाटर के ऊपर थोड़ी सी। तो शुगर जो है वो नेचुरल जो है वो आपकी स्किन को सॉफ्ट करती है और आपकी स्किन को जो स्मूथ बनाती है, आपकी स्किन को जो है बिल्कुल सॉफ्ट कर देती है ये शुगर जो है आपके लिए। और टमाटर जो है वो वैसे ही आपको पता है कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है, ये आपकी स्किन को लाइट करता है। तो चलिए हमें उसको अप्लाई करते हैं। शुगर लगाने के बाद आपने इसको सिंपल अपने फेस पे जो रब करना है, जैसे ये शुगर इसके ऊपर लगाइए, इसको आपने ऐसे रखना है और आपने इसका स्क्रब करना है। ये देखिए पूरे फेस पे आपने इसका स्क्रब कर लेना है। ये देखिए अच्छे से इसको स्क्रब करेंगे। टमाटर का जो है जो जूस है वो आप जो है वो वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ऐसे करना है। ये देखिए शुगर थोड़ी बहुत नीचे गिर जाएगी लेकिन कोई मसला नहीं। आपने इसको अच्छे से मसाज करना है इसका 10-15 मिनट। आप टमाटर को जो वो ओवरनाइट भी जो है टमाटर का जूस जो है ना वो आप ओवरनाइट भी लगा कर सो सकते हैं। पहले आप अपने स्किन पे वैसे पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो है स्किन वो सॉफ्ट होती है और जो है सेंसिटिव होती है, इसलिए आप पहले इसका टेस्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो। वैसे तो ये नेचुरल है लेकिन इसका कोई मसला तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अप्लाई करने से पहले टेस्ट जोर कीजिएगा। तो ये देखिए ये 1 वीक चैलेंज है, आपने 1 हफ्ते इसको अपनी स्किन पर ट्राई करना है और आपको अपनी स्किन में वाज़ह जो है फ़र्क वो महसूस होगा। ये देखिए आप अपनी बाजू पे भी इसका स्क्रब कर सकते हैं अच्छे से, पूरे फेस पे भी, नेक पर भी आपने इसका जो है स्क्रब करना है। जो आप इसका जूस जो टमाटर का जूस है ना वो भी आप पी सकते हैं इसके साथ, इस जो है रेमेडी के साथ आप टमाटर का जूस पिए 1 वीक तक, तो आपको जो है वाजिया फ़र्क जो है वो आपको नज़र आएगा। ये तो मेरा आजमाया हुआ है, तो ये आप 1 वीक जो है ट्राई करें। आपकी स्किन ये जो डार्क जो है ना, आपके फिंगर्स जहाँ से डार्क हैं वो आपकी लाइट हो जाएंगी। टमाटर तो वैसे ही आपकी स्किन को जो वो लाइट करता है डे बाय डे। तो ये देखिए गन पड़ने वाला है इसे, लेकिन कोई मसला नहीं, आपकी स्किन जो है इसे सॉफ्ट हो जाएगी, शाइन करेगी और आपकी जो है डार्क डेड स्किन जो है शुगर की वजह से जो आपकी डेड स्किन है वो जो है आपकी रिमूव हो जाएगी, और जो टमाटर है वो आपकी स्किन को लाइट करेगा, जिसके दोनों ही फायदे बहुत ही अच्छे हैं कि जो एक आपकी डेड स्किन को ख़त्म करेगा और एक आपकी डार्क स्किन को वो रिमूव करेगा। टमाटर जो है वो जो है सन टैन के लिए आपकी स्किन जो बर्न हो जाती है, जैसे कि अगर गर्मियाँ आ रही हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है। और आप इसका स्क्रब करें, आप इसका जो है जूस वो लगाएं। तो ये देखें इसी तरह आपने करने के बाद इसको सिंपल पानी से आपने वॉश कर लेना, उसके बाद अपने हाथ पे जो है वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है।
तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद ये ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है और मतलब हर स्किन के लिए अच्छा है। आप ड्राई स्किन पे भी लगा सकते हैं, ऑयली स्किन पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। ये देखिए अच्छे से इसका मसाज करना है। तो मैं अपने दूसरे हैंड पे भी मसाज करके तो फिर मैं आपको वॉश करके अपने हैंड दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। मिली शुगर और टमाटर वाली, तो ये टमाटर का बाद में ये वाला हार हो जाएगा। तो ये देखिए आप मेरे हैंड इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि मुझे खुद पता चल रहा है कि मेरे हाथ जो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं लगाने के बाद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।